नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। मुख्य मांग उनकी रही मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, उस पर अभी बाकी है काम। एमएसपी का आना जरूरी है, कानूनी रूप देना जरूरी है, ताकि किसानों को दिक्कत नहीं हो, आर्थिक कठिनाई नहीं हो। मेरा ख्याल है कि वर्तमान सरकार को, केंद्र सरकार को इस मांग को मान लेना चाहिए। कृषि कानून वापस लेने के बावजूद भी किसानों की चिंता खत्म नहीं हुई। एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए डॉक्टर रामेश्वर उरांव। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सह झारखंड के खाद्य आपूर्ति और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने संसद से तीन नए कृषि कानून को वापस लिए जाने के कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि किसानों की चिंता अब भी समाप्त नहीं हुई है। लोकसभा से विधेयक सर्वसम्मति से पास हो जाने के तुरंत बाद प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ, शहदेव के साथ कांग्रेस भवन पहुंचे और जीत का साइन दिखाया एवं खुशी का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता निरंजन पासवान, प्रभात कुमार, नरेंद्र लाल गोपी, दिनेश लाल सिन्हा, गुलाम रब्बानी, दामोदर दास वाल्मीकि, जगन्नाथ साहू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। डॉक्टर उरांव ने कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसानों की अब भी सबसे बड़ी चिंता फसल को लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की है, इसलिए किसानों को इसकी गारंटी मिलनी चाहिए। वित्त मंत्री ने बताया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए कानून बनाया जाना आवश्यक है, क्योंकि देश में बाजार की जो स्थिति है उससे सभी वाकिफ है। देश में बढ़ती महंगाई के कारण किसानों की फसल लागत में लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है, लेकिन किसानों का लाभ स्थिर है, इसलिए एमएसपी को कानूनी स्वरूप दिया जाना बहुत जरूरी है। चलिए, एक कदम देश आगे बढ़ा है, हमारी कृषि बची है, किसान भाई बचे हैं, तो किसानों को धन्यवाद। उन्हीं के आंदोलन ने रंग लाया, कांग्रेस का शुरू से समर्थन रहा, सोनिया जी का, राहुल जी का पूर्ण समर्थन रहा किसानों के आंदोलन। हम भी झारखंड में भी आंदोलन को आगे बढ़ाए, कम से कम दो बड़े ट्रैक्टर रैली किए, एक गुड्डा से देवघर और दूसरा हजारीबाग में, और जगह जगह मीटिंग हमारी होती रही, बैठकें होती रही। कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लगे रहे किसानों को मदद पहुंचाने के लिए, उनके मांग को समर्थन के लिए। हाँ, लेकिन तीनों कानून तो वापस हो रहे हैं, लेकिन मुख्य मांग उनकी रही मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, उस पर अभी बाकी है काम। मेरा ख्याल है कि वर्तमान सरकार को, केंद्र सरकार को इस मांग को मान लेना चाहिए, क्योंकि वाजिब है, इसके बिना यहाँ के किसान बेहतर नहीं कर पाएंगे। जो स्थिति है बाज़ार की, देश के बाज़ार की, कृषि में लागत बढ़ती चली जा रही है, इनपुट्स का दाम बढ़ता चला जा रहा है, और उसके तुलना में जो उपजे हैं किसानों के, उनका दाम स्थिर है, घट तो नहीं रहा कहेंगे, लेकिन स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में एमएसपी का आना जरूरी है, कानूनी रूप देना जरूरी है, ताकि किसानों को दिक्कत नहीं हो, आर्थिक कठिनाई नहीं हो। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।